इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन सबसे शानदार रहा। आज भारत को 4 शानदार जीतें मिली हैं और अब से थोड़ी देर पहले बॉक्सर सतीश कुमार ने जीत दर्ज की। सतीश ने जमैका के बॉक्सर को 4-1 के अंतर से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया। इससे पहले भारत ने तीरंदाजी और बैडमिंटन के साथ हॉकी में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। देश को पहली खुशी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने दी। लगातार तीसरी जीत के साथ सिंधु वुमेन्स सिंगल फेमर बैडमिंटन के मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और सिंधु ने राउंड 16 के मुकाबले में डेनमार्क के खिलाड़ी को 21-15 और 21-13 से मात दी। पुरुष हॉकी में भी भारत ने तीसरी जीत हासिल कर ली है और लीग मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया है। भारत की ओर से वरुण कुमार, विवेक सागर प्रसाद और हरमनप्रीत सिंह ने गोल दागे। भारतीय टीम की इस ओलंपिक में तीसरी जीत है। इससे पहले भारत ने स्पेन और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत हासिल की थी। तीसरी गुड न्यूज आई है तीरंदाजी से, जहां अतनु दास ने लगातार 2 मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं और अतनु ने पहले मैच में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराकर पहले तो अंतिम 16 में जगह बनाई, उसके बाद दूसरे मैच में कोरियाई खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।